हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग फॉर किड्स बाय नीलम। आज हम देखेंगे कि हम कैसे कुछ वर्कशीट्स की हेल्प से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स के रिकॉग्निशन में और उनसे रिलेटेड उनकी वोकैबुलरी को बिल्डअप करने में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट वर्कशीट है मैच अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स। अगर बच्चे को अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन्हें पता है कि ये क्या होते हैं, कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं, तो बच्चे इस वर्कशीट को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये है कैपिटल ए और बच्चे इस रो में फाइंड आउट करेंगे कि स्मॉल ए कहाँ पे है। स्मॉल ए है ये, तो बच्चे इसे एक लाइन ड्रॉ करके मैच करेंगे। सेकेंड है बी। अब बच्चे इस रो में फाइंड आउट करेंगे कि स्मॉल बी कहाँ पे है, तो स्मॉल बी है ये, तो बच्चे इसे फिर से एक लाइन ड्रॉ करके मैच करेंगे। देन कैपिटल सी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बच्चे इस रो में फाइंड आउट करेंगे कि स्मॉल सी या लोअर केस लेटर सी कहाँ पे है, वो है ये, तो बच्चे सी से कैपिटल लेटर सी से स्मॉल लेटर सी को मैच करेंगे। तो इस तरह से बच्चे पूरी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे बहुत इजीली। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी मैच द पिक्चर्स विद रिलेटेड अल्फाबेट। अब बच्चे जो पिक्चर्स दी हुई हैं उनको उनसे रिलेटेड अल्फाबेट से मैच करेंगे। जैसे ए फॉर एरोप्लेन एंड ए फॉर, पहले बच्चे इस रो में देखेंगे कि कौन सा जो पिक्चर है वो ए से बिलोंग करती है, तो ए से बिलोंग करता है एरोप्लेन। ये फॉर होता है ई फॉर एग, ये होता है बी फॉर बॉल एंड ये होता है एस फॉर शूज। तो ये कोई भी उससे बिलोंग नहीं करता है, सिर्फ एरोप्लेन बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट रो में बच्चे इन पिक्चर्स को देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा जो पिक्चर है वो ए से रिलेट करता है, तो कौन सा पिक्चर रिलेट करता है, ए फॉर एप्पल, तो बच्चे से मैच करेंगे एप्पल के साथ। नेक्स्ट ई फॉर एग एंड ई फॉर एलिफेंट, एस फॉर शू एंड एस फॉर सन, बी फॉर बॉल एंड बी फॉर बलून। तो इस तरह से बच्चे बहुत इजीली इस वर्कशीट को सॉल्व कर लेंगे, प्लस उनकी वोकैबुलरी भी बिल्डअप होगी। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी मैच विथ सेम बिगिनिंग साउंड एंड लेटर। इसके लिए हम पहले तो बच्चे फर्स्ट रो की पिक्चर्स को देखेंगे, देन सेकंड रो की पिक्चर्स को देखेंगे। अब फर्स्ट रो में फर्स्ट पिक्चर है सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि कैट का साउंड किस में आ रहा है, प्लस सी फॉर, सी फॉर कौन सा लेटर है जो सी से स्टार्ट होता है, तो जे फॉर जैम होता है, ज एंड जे ये तो होता है, तो ये इसे बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट सी फॉर कैटरपिलर, क आ गया इसमें, प्लस सी फॉर कैटरपिलर, तो बच्चे कैट से कैटरपिलर को मैच करेंगे। नेक्स्ट फॉर फ्लावर, फॉर एंड एफ वर्ड, जो बिगनिंग साउंड है या बिगनिंग लेटर है वो है एफ एंड बिगनिंग साउंड है फॉर, तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे फॉर फ्लैग, फॉर एंड लेटर एफ, तो फ्लावर से फ्लैग को मैच करेंगे। तो बच्चे इस तरह से इस पूरी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है सर्कल द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच पिक्चर। जो यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, इन सारी पिक्चर्स की फर्स्ट अल्फाबेट को बच्चे इनमें से रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन से लेटर हैं जो इनसे बिलोंग करते हैं, तो और उसे बच्चे सर्कल करेंगे। जैसे बी फॉर बनाना, तो बच्चे सर्कल करेंगे बी को। मैंगो, मैंगो क्या होता है, एम फॉर मैंगो, तो इस एम को बच्चे सर्कल करेंगे। इससे बच्चों की वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी, प्लस बच्चों को रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी अल्फाबेट्स को। नेक्स्ट है डी फॉर डग, तो बच्चे डी को सर्कल करेंगे और इस तरह से पूरी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। जी फॉर ग्रेप्स, F for fish, B for bird, S for sun and K for kite. Next worksheet है write upper case and lower case letters in the given picture. अब आप क्या करेंगे, जो भी बच्चे
जिस भी लेटर में बच्चे कंफ्यूज हैं या फिर प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड पिक्चर आप ड्रॉ कर दीजिए। अगर बच्चे को ए बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें एक पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए एप्पल का, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और उसके दो पार्ट कर दीजिए। आप उसके दो पार्ट कर सकते हैं ऐसे, एक साइड बच्चे कैपिटल लेटर्स लिखेंगे और एक साइड बच्चे स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, और इससे बच्चों को यह भी पता चलेगा कि जो एप्पल है वो इन दोनों लेटर्स से बिलोंग करता है। पहले तो लिखेंगे अपर केस लेटर ए लाइक दिस, देन स्मॉल लेटर ए। तो इस तरह से बच्चे सारे वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे ए है, बी स्मॉल बी, बॉल के भी टू पार्ट्स करेंगे, एक साइड कैपिटल बी एक साइड स्मॉल बी। देन एम मैंगो है, मैंगो के भी टू पार्ट करेंगे, एक साइड कैपिटल एम एंड एक साइड स्मॉल एम। और कोई भी आप अल्फाबेट ले सकते हैं, जो भी आपको, जो भी बच्चे को आपको सिखाना हो। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट द मिसिंग अपर केस लेटर्स। तो इसमें बच्चे क्या करेंगे, ये कैटरपिलर्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो इसमें आप बच्चे लिखेंगे मिसिंग अपर केस लेटर्स। ए लिखा हुआ है तो बच्चे लिखेंगे बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इस तरह से इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए बच्चे इसको जेड तक लिखेंगे। ठीक इसी तरह से सेकंड भी है राइट द मिसिंग लोअर केस लेटर्स। अब बच्चे यहाँ पे लोअर केस लेटर्स लिखेंगे, ए है बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, और इसी तरह से सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जेड तक इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है फॉलो द राइट सीक्वेंस ऑफ अपर केस लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का सीक्वेंस को फॉलो करते हुए बच्चों को इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है, इस फिश को ड्रॉ करना है। तो बच्चे कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, डॉट टू डॉट इसको मिलाएंगे, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, जी टू एच, एच टू आई, आई टू जे, जे टू के टू एल, एल टू एम, एम टू एन, एन टू ओ टू पी, पी टू क्यू, क्यू टू आर टू एस, एस टू टी, टी टू यू, यू टू वी, वी टू डब्ल्यू, डब्ल्यू टू एक्स, एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड, एंड ये बन गई हमारी फिश। नेक्स्ट वर्कशीट है मैच द लोअर केस लेटर्स इन अ सीक्वेंस एंड ड्रॉ स्नोमैन। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चे पहले हमने फॉलो किया था कैपिटल लेटर्स को एंड अब हम फॉलो कर रहे हैं स्मॉल लेटर्स को। इससे बच्चे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे हर एक लेटर्स को। देखिए अब बच्चे ए, ए टू बी, बी टू सी, इस तरह से इसको फॉलो करते हुए, सारे अल्फाबेट्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक स्नोमैन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। डॉट टू डॉट बच्चे इसको मिलाएंगे और एक स्नोमैन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। और बच्चे इसके बाद इसमें कलर्स भी कर सकते हैं। तो बच्चे बहुत इजीली अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे प्लस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अब बच्चे इसमें पिक्चर्स को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कलर करेंगे। अब बच्चे देखेंगे कि ये जो पिक्चर्स हैं वो इस अल्फाबेट से रिलेट होनी चाहिए। तो बच्चे देखेंगे कि सी फॉर कैट होता है तो ये एम से रिलेट तो नहीं करता है, टी फॉर ट्रायंगल होता है, एम फॉर मैंगो होता है, तो बच्चे इस मैंगो को कलर करेंगे। नेक्स्ट सी फॉर हैप्पी फेस तो नहीं होता है, सी फॉर कैट होता है एंड एल फॉर लीफ होता है, तो सी रिलेट करती है इस लेटर से, तो बच्चे इस सी को, सी फॉर कैट को कलर करेंगे। इसी तरह से H, H फॉर हर्ट होता है, C फॉर कैंडी होता है एंड S फॉर सैड फेस होता है, तो यहाँ पर बच्चे कलर करेंगे H फॉर हर्ट में। उसी तरह से K फॉर काइट में बच्चे कलर करेंगे, F फॉर फिश में कलर करेंगे एंड T फॉर ट्री में कलर करेंगे। तो ये बहुत इजी वर्कशीट है बच्चों के लिए, बच्चों की वोकैबुलरी भी इसमें बहुत अच्छी हो जाएगी। लास्ट वर्कशीट है क्रॉस द इनकरेक्ट पेयर ऑफ अल्फाबेट्स। अब बच्चे इस वर्कशीट में देखेंगे कि अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और बच्चों को उस पेयर को क्रॉस करना है जो इनकरेक्ट है। ए कैपिटल ए ऐसे ही होता है, स्मॉल ए ऐसे ही होता है, तो ये करेक्ट है। स्मॉल
कैपिटल बी एंड स्मॉल बी ऐसे ही होता है, तो ये भी करेक्ट है। सी कैपिटल सी एंड ये तो डी लिखा हुआ है, तो ये हो गया इनकरेक्ट, तो बच्चे इसको क्रॉस कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट एल कैपिटल एंड स्मॉल दोनों एल सही है, के एंड स्मॉल जे, तो ये है इनकरेक्ट, बच्चे इसे क्रॉस कर देंगे। तो ये थी कुछ वर्कशीट्स जिन्हें आप घर पे इजीली बना सकते हैं और बच्चे इन्हें घर पे इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, जिससे उनका नॉलेज डेफिनेटली इंक्रीज होगा लेटर्स के रिगार्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।